की नाम थोड़ी। मैं सीए सीमा अग्रवाल, पटियाला ब्रांच चेयरपर्सन। हम लोग आज यहाँ पे सारे सीए मेंबर्स इकट्ठे हुए हैं क्योंकि गुड़गांव में हमारे दो सीए मेंबर्स को जीएसटी डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार की वजह से कैद कर लिया गया है। उनके साथ बहुत ही ज़्यादा इल ट्रीटमेंट किया गया है और आज उनकी बेल को भी डिसमिस कर दिया गया है। हम जो ये इतने दिन से प्रोटेस्ट कैरी आउट कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में ऑफ द नॉर्दर्न रीजन, उसकी वजह से जो भ्रष्ट सीजीएसटी ऑफिसर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन फिर आज भी जो हम वेट कर रहे थे कि हमारे मेंबर्स को बेल ग्रांट कर दी जाएगी, वो कोर्ट ने डिनाई कर दी है और इसके आगे अभी हमारे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। सो हमारा आज का जो प्रदर्शन है, रोज प्रदर्शन है, वो है अगेंस्ट भ्रष्टाचार। वी नीड जस्टिस। जस्टिस हमारा बर्थ राइट है और इसको हम लेके ही रहेंगे। अगर हमारे मेंबर्स की कोई गलती नहीं है, हम उनको छुड़वा के ही रहेंगे। मैम, जरा मार्च है कितने स्टार्ट होना, कितने तक ले जाना थोड़ी? ये मार्च हम अपना पटियाला ब्रांच NIRC से शुरू करके फाउंटेन चौक तक लेके जा रहे हैं। ये एक पीसफुल मार्च है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम भ्रष्ट अधिकारियों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो सीएज हैं वो कभी भी सॉफ्ट टारगेट नहीं है, ना उनको सॉफ्ट टारगेट समझा जाए, क्योंकि हम जो हैं एक ब्रिज का काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के बीच में, क्लाइंट्स के बीच में। एक छोटी सी फीस की अमाउंट के लिए हम लोग काम करते हैं। 15 करोड़ का घोटाला करना सीए मेंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। कारण उसका ये है कि एक सिंपल अगर हमने UDIN लगाया है या उसमें पासकोड हमारे मोबाइल पे आया है, इट डज़ नॉट मीन कि जो मेंबर है वो भ्रष्ट है। भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट कोई भी जो है वो नहीं ले रही है, लेकिन हम भी इस चीज़ के लिए पीछे नहीं हटेंगे और अपने जस्टिस के लिए हम पुकार करते रहेंगे और जस्टिस हम लेके रहेंगे। सर, कार्रवाई नहीं रहेगी तो ये जो हमारा प्रोटेस्ट है ये नेशनल लेवल तक जाएगा। बाकी जो हमारा NIRC चीफ हैं, हमारे जो नवीन गर्ग जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम ये प्रोटेस्ट कैरी आउट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमें गाइडलाइंस मिलेंगी उसके अकॉर्डिंगली हम अपना प्रोटेस्ट जो है और तेज़ करेंगे।